हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएस राठौड़ स्वागत करता हूं आप सब लोगों का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस बिंदु को डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को भारतीय संविधान के भाग, जो टोटल 22 भाग है, वो याद नहीं रहते हैं। खूब सारी दिक्कतें आती है। आज हम जो आए हैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर, हम आपकी इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर समस्या का समाधान देता है। अब आप जो टोटल 22 भाग है उसको कभी नहीं भूलोगे। और आइए आगे बढ़ते हैं इसी दिशा के अंदर। यह मेरा परिचय, आरपीएससी सेकंड गेट 23rd रैंक, यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम ऑल इंडिया 53rd रैंक, आरपीएससी आरएएस एग्ज़ाम 178th रैंक, और ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें क्वालिफाइड स्टेज पर पहुँचा। और आई जस्ट लाइक टू गाइड द यूथ्स, और इसी मकसद से आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अन अकेडमी आरपीएससी प्लेटफॉर्म का, और बहुत ही सरल है। उसके अलावा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि हर आने वाले नए कोर्सेज को आपकी इसकी जानकारी मिलती रहे। उसके बाद में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कैसे करें, आइए उसको देख लेते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है उसको जब आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करोगे, आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। तब आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, वहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। आज की क्लास जो है यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँच रही है, लेकिन कुछ प्लस कोर्सेज भी आपको आने वाले हैं। प्लस कोर्सेज जो आने वाले हैं वो होगा ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्सेज, पॉलिटी कंप्लीट कोर्स। ये जो कोर्सेज होंगे ये क्वेश्चन एंड आंसर को लेते हुए, साथ में थ्योरी को भी डिटेल में चर्चा की जाएगी। कोशिश यही रखी जाएगी कि अधिकतर जो एग्ज़ाम्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आरएस के, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो उसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले यहाँ पर मॉक दे करके और मजबूत होकर के जाएँ, कन्फ्यूजन दूर होकर के जाएँ। इसी उद्देश्य से जल्दी ही प्लस कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के। दोस्तों, ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। उसके साथ में ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इन सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है और बहुत ही सरल है। आप इसका प्लस कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, जो मात्र आपको 7,000 रुपये में मिलता है। यदि आप DERAVER इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लेते हो तो यह घटकर मात्र 6,300 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, एक रूम का किराया दिल्ली और जयपुर में होता है, इससे ज़्यादा लगता है इवन आपको स्टडी करते हुए। और आज टेक्नोलॉजी ने हमें ये ऐसा युग प्रदान किया है जिसमें आप घर बैठे इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। और अनिश्चितताओं का दौर है, पढ़ाई लंबी थोड़ी चलनी है, तो इस कैरियर यात्रा में आप हमेशा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। तो आप 2 साल का भी ले सकते हो, जो आपको 8,400 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसमें भी आप DERAVER कोड का इस्तेमाल करके मात्र 7,560 रुपये में यह सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का, जितने भी अभी नए साथी जुड़े हैं, उन सब का स्वागत करता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जिस मुद्दे को, वह है भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, इसके लिए मैंने स्पेशल क्लास इसलिए रखी है कि विभिन्न एग्जामों में ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। इट इज़ अ फेवरेट क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम, बट होता क्या है कि भाग हम कई बार चाह करके भी याद नहीं रख पाते हैं। तो ये जो आज सेगमेंट हम आपके सामने लाए हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, MCQ देखेंगे भारतीय संविधान के भाग पर। और आपको मौका दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, उसके अलावा आप क्वेश्चन के बाद में आपको लगभग 10 सेकेंड का समय मिलेगा। एक आप कॉपी तैयार रखें, पेन और कॉपी, उसमें क्वेश्चन नंबर मार्क करके रखें और उसके आंसर आप लिखते जाएं। जैसे ही 10 सेकंड खत्म होंगे उसके बाद में आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा और उसको डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस इसलिए किया जाएगा कि जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय संविधान के भाग एक बार जब आप पढ़ लोगे तो अब आप नहीं भूलोगे। और दोस्तों, कोई भी चीज़ आप बार बार भूलो और याद करो तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका जाया होता है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बार आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो जिस प्लेटफॉर्म पर आपको वह चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहे।
तो दोस्तों ध्यान रखना, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास मार्क किया हुआ होना चाहिए और उसमें आप आंसर टिक करते जाइए। जब ये टेस्ट एंड होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की जगह जाकर के रिकैप करेंगे और उसमें जितने भी संविधान के भाग है उसकी टेबल आपके सामने रखी जाएगी, उसको याद कैसे की जाती है उसको भी डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद कैसे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए और भारतीय संविधान के भाग इस टॉपिक को आज ही निपटा लीजिए, इसके बाद आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़े और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, रेडी हो जाइए, 10 सेकंड का समय मिलेगा, अपनी आंसर कॉपी के अंदर इसको टिक कर दीजिएगा और ऐसे ही सारे प्रश्नों को टिक करते रहिए और लास्ट में जो आपके आंसर आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में अपलोड ज़रूर करिए ताकि आप देख सकें कि आप कंपैरिजन में दूसरे लोगों से कहाँ हैं। दोस्तों यदि आप ये कार्य नहीं करोगे, पैसिव वर्क में हमें याद नहीं रहता है, आपको खुद को इस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट विद इट, पार्टिसिपेट इन इट एंड इनबिल्ट दीज थिंग्स इन योर माइंड। सो लेट्स फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे भारतीय संविधान के कितने भाग है इसको पूछा जा रहा है। तो आपका समय शुरू होता है 10 सेकंड का, आप जल्दी से आंसर दीजिए। कोशिश करिए, जो भी आपको आंसर आता है, वैसे ये स्टार्टिंग है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आई होप कि आप इसको कर लोगे। ओके थैंक यू, इसका राइट आंसर था भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। कई लोग इसको 25 किए होंगे, आपका आंसर इसलिए गलत है कि 25 22 के अंतर्निहित भाग है। जैसे एक चार भाग चौथा भाग है उसका एक भाग और आपने कर दिया 4A, या जिसको हम 4K भी कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 22 ही आंसर करना है, 25 आंसर नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन आप अभी से दूर कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यान रखें दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, दिखने में इजी लगते हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये इजी क्वेश्चन ही आप एग्ज़ाम में रॉन्ग करके नहीं आओ, आप उसको ठीक करके आओ, और वो ठीक तभी होंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके जुड़ी हुई चीज़ों को देखोगे। आपके सामने जो क्वेश्चन रखा गया था दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 की ही ये भाग पूछ रहा था कि अनुच्छेद 368 संविधान के किस भाग में स्थित है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर इन द लर्निंग फेज। जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समय लगता है। तो अनुच्छेद 368 का वर्णन है वो संविधान के भाग 20 में किया गया है। अब आप बिल्कुल नहीं भूलें, संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछे तो आप 368 बताएं और जब आपको भाग पूछे तो आप भी भाग 20 बताएं। और दोस्तों जो भाग 3 की जो बात आती है, वो आपके भाग 3 के अंतर्गत जो आता है वो है यहाँ पे मूल अधिकार, जो 12 से 35 में आपको दिए गए हैं। भाग 4 के अंदर क्या आ जाता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, वो भाग 4 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, भाग 21 के अंदर संक्रमणकालीन अल्पकालीन प्रावधान है, कोई विशेष महत्व के नहीं है। आप भाग 3 और भाग 4 और भाग 20 को अच्छे से याद कर लीजिए। हमने शुरुआत में वादा किया है कि आज के बाद आप संविधान के भाग नहीं भूलोगे, उनको हम MCQ और डिटेल और लास्ट में कंप्लीट रिकैप के माध्यम से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
कोशिश करिए, जिनको आ रहा है उनको लो बधाई हो, आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्ज़ाम में जा कर के इसको गलत नहीं करोगे, और जिनको नहीं आ रहा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय ख़त्म होता है। सही आंसर यहाँ पे होगा पंचायती राज भाग 9, पंचायती राज का उल्लेख दोस्तों भाग 9 में है। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे देश के अंदर की शासन प्रणाली है वो अब मोटे स्तर पे, जो सबसे लोवेस्ट स्तर है वो है पंचायती राज। पंचायती राज के ऊपर राज्य सरकार हम कह सकते हैं, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार केंद्र सरकार का अपना सिस्टम है, राज्य सरकार का अपना सिस्टम है, और पंचायती राज का अपना सिस्टम है। पंचायती राज जो था वो रखा गया था भाग 9 के अंदर, ठीक है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि जब आज इलेक्शन हो रहे हैं तो पंचायती चुनाव में बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो एक सज्जन व्यक्ति वो कहता है नो भाई नो, पंचायती राज नो, अर्थात पंचायती राज जो है वो भाग 9 में स्थित है, ठीक है। भाग 3 के अंदर हम देख चुके हैं क्या स्थित है, मूल अधिकार। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज तभी होंगे जब उसको अलग अलग एंगल से आप याद करेंगे। 12 से 35 अनुच्छेद अंदर आते हैं। भाग 4 के अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य है। अब आगे वापस रिपीट होंगे, आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। और भाग जो 6 है उसके अंतर्गत आपके राज्य की बात की गई है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, और भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद, भाग 6 के अंदर राज्य है, और भाग 4 ए के अंदर मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। ध्यान रखना दोस्तों, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। आई होप आपने टिक कर दिया होगा। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, अब आप एलिमिनेट भी कर सकते हो जो अभी तक आपने ज्ञान प्राप्त किया है। भाग 18 के अंदर हमने क्या किया है, संविधान का संशोधन, ठीक है। अब जो आपका भाग 21 आया था वो ये इसी से जुड़ा हुआ था, संक्रमण काल और विशेष उपबंध के दौरान, ठीक है। भाग 19 कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, और भाग 22 है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लास्ट में निरंसन और हिंदी में संविधान का भाग और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। अभी आपको 18 और 19 ही अच्छे से याद करने हैं, यही आपके काम के हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको यही पूछा था, संविधान भाग 9 ही पूछा था, दूसरे नज़रिए से पूछा क्या था, पंचायती राज। जब पंचायती राज में आप चले जाओगे तो उसके अंदर तीन सोपानों की बात कर ली गई। तीन सोपान कौन से हैं, तीन सोपान में ये बताया गया था कि सबसे पहले यहाँ पे कोई मान लो गाँव हो, तो ये गाँव है एक्स, कोई गाँव है तो गाँव के स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद में तीन चार गांव मिल जाएंगे, इनको मिला करके क्या बना दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तीन चार वहाँ की आबादी और भौगोलिक स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ से आप ग्राम पंचायत का जो ऊपरी होगा वहाँ आपको बना दी पंचायत समिति, ठीक है। ये दूसरा स्तर हो गया, और तीसरा स्तर खूब सारी जो पंचायत समितियाँ हैं एक जिले के अंदर उनको मिला करके वहाँ पर बना दिया आपने जिला परिषद। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यह था कि संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायत बनाने की बात की गई है। तीन सोपानों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पंचायत बनाने की बात एक ही जगह की गई है, वो है संविधान के भाग 9 में, ठीक है। गांव के अंदर ग्राम पंचायतें होती है, ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती है, पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद बनाती है। इनसे जुड़े हुए आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन आप भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है। तो जस्ट गिव योर आंसर, देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर पता है। कोशिश करिए,
बिल्कुल सही। जिला परिषद का मुखिया जो होता है वो जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख लीड करता है जिला परिषद को। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वह होता है प्रधान, और ग्राम पंचायत का मुखिया होता है जिसको हम कहते हैं सरपंच। अच्छा, सरपंच पति? नहीं, सरपंच कहते हैं, ठीक है। एक नया कंसेप्ट चल रहा है, सरपंच पति। वस्तुतः यह जब महिलाएं को राजस्थान के अंदर 50% आरक्षण है पंचायती राज क्षेत्रों में, तो प्रभावशाली पुरुष अपनी महिलाओं को नाम मात्र का पंच, सरपंच या पंचायत जनप्रतिनिधि बनाने के लिए वो चुनाव लड़ा देते हैं, बाद में उनका वो कामकाज देखते हैं। तो एक नया कंसेप्ट चलता है सरपंच पति, ठीक है। तो कई लोग कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का जो संचालन करते हैं वो सरपंच पति करते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार में भी और महिलाओं में दोनों में जागरूकता आ रही है और अब सरपंच इसको करते हैं, ठीक है। आप इसके जुड़े हुए अधिकारी भी देख सकते हो, आप चाहो तो, कि यहाँ पे जो जिला परिषद में जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। पंचायत समिति पर होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्राम पंचायत जो जहाँ पे हम सरपंच की बात कर रहे हैं वहाँ पे होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले ग्राम सेवक भी कहा जाता था। तो ये पंचायतों के 3 सोपानों को बनाने की बात भाग 9 में की गई है, ठीक है। उसके बाद में जो आता था आपके वो है भाग 10, वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति की बात करता है। उसके बाद में आपके भाग जो 11 है, 11 को आप याद रखने की एक ट्रिक याद रख लीजिए। यहाँ पे लिख लो आप 1, यहाँ पे लिख लो 1। ये 1 केंद्र को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 राज्य को रिप्रेजेंट करता है, और इनके जो आपस में संबंध है 11, उसी को कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। संविधान का भाग 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केंद्र राज्य संबंध को। आप चाहो तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको साथ साथ आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और भाग 12 में कुछ खास है नहीं, वित्त और संपत्ति विवाद, इन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। अभी आपको भाग 9 अच्छे से याद होना चाहिए, भाग 11 भी अच्छे से याद होना चाहिए, और भाग 10 भी अच्छे से याद हो जाना लगे, ठीक है। भाग 10, अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, विभिन्न जो ट्राइब्स रहती है भारत के विभिन्न भागों में, उस ट्राइब्स को अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर, अनुसूचित भागों के अंदर सरकार ने बांटा है, ताकि उनका हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें, उन्हें मुख्य धारा में ला सकें। तो हम कह सकते हैं कि भाग 10 का संबंध उससे है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, इसको अच्छे से दिमाग में रखिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? जल्दी से आंसर टिक कर लिए, फिर हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, और क्विक हम इसलिए देख रहे हैं कि हम डिटेल में वैसे ही देख रहे हैं, बस आप क्लिक कर लो इतना खूब होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, वस्तुतः वो 9A में है। इसमें है 9A में। हुआ क्या था, जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, 1992 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय 9 के अंदर एक पार्ट जोड़ा गया ए, 9A, और उस 9A का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से है। पंचायतों का हमने 9-9 से याद कर लिया है कि सरपंच का चुनाव भला आदमी कहता है 9-9-9, अर्थात पंचायतों का जो संबंध है वो संविधान के भाग 9 से है। भाग 9 के अंदर विशेषकर शहरी क्षेत्र की पंचायतें जो होती है उनको नगर पालिकाएँ कहा जाता है, जिसको 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर हम ये कंसेप्ट लेकर के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। उसके अलावा भाग 7 अभी संविधान में है नहीं, हटाया जा चुका है। भाग 6 जो है उसका संबंध है राज्य से, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड है कि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होगा, CM होगा, गवर्नर राज्यपाल होगा, वहाँ पे विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, ये सारे के सारे राज्य से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगे भाग 6 के अंदर, ठीक है। अच्छे से आप इसको याद कर लें। और भाग जो 8 है, उस 8 के अंदर क्या कर दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है, वो भाग 8 में किया जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो अच्छे से याद कर ले, नगर पालिकाओं वाला इंपॉर्टेंट है, भाग 9
क या 9A भी हम उसको कहते हैं। सो वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जल्दी से आंसर देखिए और उसको टिक कर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ 9 तो किसी ने ही नहीं किया होगा, क्योंकि जब भला आदमी सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकता तो भाग 9 में पंचायतें दी गई है, वो तो अलग हो ही गई। और उसके बाद में भाग 3 के अंदर हम जानते हैं कि 12 से 35 तक हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए यह मूल अधिकार भी नीति निर्देशकता तो नहीं हो सकते। भाग द्वितीय के अंदर हम जानते हैं नागरिकता है, क्या है दोस्तों? नागरिकता, सिटीजनशिप जो है वो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता दी गई है। इसी नागरिकता को भाग द्वितीय में रखा गया है, ठीक है। और भाग चतुर्थ के अंदर क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखना। भाग 4 के अंदर क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखने वाली चीज है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे भारत के वो आदर्श है, वो हमें गाइडिंग पाथ है हमारी सरकार के लिए, फॉर द पीपल। सरकार के लिए है कि वो पीपल के लिए लोक कल्याणकारी राज्य हम बनाना चाहते हैं हमारे देश को। हम चाहते हैं कि हमारा देश लोक कल्याणकारी बने, तो उसके लिए हमें लोगों के लिए क्या क्या करना है। हालांकि आज के दिन में हमारे पास में इतने ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इतने रिसोर्सेज नहीं है, खूब सारे रिसोर्सेज नहीं होने के कारण हम चाह कर भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हमें करने चाहिए। तो इसलिए हमारे संसाधन सीमित है अभी, ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें प्राप्त करनी है, अभी न कर पाए लेकिन भविष्य में प्राप्त करनी है, तो उनको हमने रखा है नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। और जो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये जन दबाव के माध्यम से सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए बाध्य होती है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के आदर्श हैं, लोक कल्याण की ओर लेके जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अनुच्छेद 40 के अंदर हम पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, अनुच्छेद 44 में हम बात करते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे कि सारे जाति धर्म के लोग हो उनके लिए कानून एक जैसा होगा। अभी तक हमने लागू नहीं किया है वर्तमान परिस्थितियों में, लेकिन ये हमारे आदर्श है। तो आदर्शों को हमने कहाँ रखा है? नीति निर्देशक तत्वों में रखा। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग चतुर्थ में है, ठीक है, भाग चतुर्थ में। और इसका आप अनुच्छेद देखना चाहो तो वो है 36 से 51, 36 to 51, ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। द्वितीय भाग में नागरिकता है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा ये, इसलिए क्योंकि अभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, उसके बाद वो बिल पास होके एक्ट बन गया, उसके बारे में खूब सारी बातें हो रही है, खूब चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है, और यहाँ पे ये भी भाग बन जाएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। क्या पूछ लिया? कि कौन से अनुच्छेद में है नागरिकता का जो पार्ट है उसका अनुच्छेद पूछ लिया, या फिर संविधान का आपको क्या पूछ लिया? भाग पूछ लिया। तो भाग पूछे तो आपको बताना है 2, अनुच्छेद पूछे तो आपको बताना है 5 से 11। और ये खूब सारा चर्चा में है CAA कारण। CAA क्या है? CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है? इसमें ये कहा गया है कि जो भारत है, ठीक है, भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश हैं। यहाँ से यदि कोई बौद्ध आता है, कोई हिंदू आता है, कोई जैन आता है, कोई सिख आता है या कोई ईसाई आता है, ये लोग उन देशों से यदि भारत के अंदर आते हैं तो उनको भारत के अंदर सिटीजनशिप इस बात से मिलेगी कि वहाँ से वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। 3 देशों से आने वाले जो नागरिक है उन नागरिकों को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं इंडिया में मानवीय आधार पे, क्योंकि उनका वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न होता है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, विशेषकर पाकिस्तान के अंदर
कि वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ की जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनको अगवा करके धर्म परिवर्तन करके उनका विवाह कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आती है और उनसे जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता देने के लिए हमने उदार दिल अपनाते हुए इन लोगों को भारत में प्रवेश करने पर हमने सिटीजनशिप देने का निर्णय लिया गया है और यही CAA और यही बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रहा है। और जो नागरिकता है वह भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 511 है, 5-11। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग एक में किसका वर्णन है ये पूछना है, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है, आप आंसर दे दीजिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, बस जब क्विज खत्म हो तो आप अपना रिजल्ट निकाल के वापस कमेंट बॉक्स में दे सकें, इसलिए यह आपके सामने रखा गया है। यह क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि आपके प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है तो आप वहां जाके लूज कर सकते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे आज उपलब्ध हैं। तो दोस्तों संविधान के भाग एक में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि भारतीय जो संघ है, भारत के बारे में क्या कहते हैं, भारत क्या है। कोई पूछे कि व्हाट इज इंडिया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में और हिंदी में कहें तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत कैसा संघ है, तो वो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है, विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। कैसे? देखो दोस्तों, भारत किससे मिला? राज्यों से मिला, राज्य सारे मिलके क्या बन गया? संघ बन गया। लेकिन राज्य तो विभाजित हो सकते हैं, लेकिन अब संघ यानी हमारा कंट्री विभाजित नहीं होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। राज्य कैसे विभाजित हुए? जैसे अभी आपने आंध्र प्रदेश को विभाजित करके आपने वहाँ पे तेलंगाना बना दिया और आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र कर लिया। रिसेंट पास में हमने देखा है कि वहाँ पे MP से हमने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, ठीक है। हमने देखा है कि बिहार से हमने क्या किया, झारखंड को अलग कर दिया, ठीक है। हमने देखा है कि UP से हमने क्या कर दिया, UT उत्तराखंड को अलग कर दिया। तो इस प्रकार विभाजित राज्य तो वहाँ पे है, लेकिन संघ, भारत अभी भी अविभाजित संघ है। ये कौन कहता है? भारत का संविधान कहता है। ये बात किस में की गई है? संविधान के भाग एक में की गई है। संविधान के भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। नागरिकता को हमने अभी डिटेल से देखा है, किस में है आप बता दीजिए। बिल्कुल सही, भाग दो में आपने सही बताया, ठीक है। और मूल अधिकार किस में आएंगे, जिसको अनुच्छेद 12-35 में रखे गए हैं, बताइए। बिल्कुल सही, भाग तीन के अंतर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आएंगे, इसको भी हमने चर्चा कर ली है, तो दोस्तों बताइए। बिल्कुल सही आंसर है आपका, भाग चार। तो दोस्तों ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम्स में चीज़ों को याद करने का, कि आप उसको बार बार विभिन्न मॉक के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, डिस्कस के माध्यम से उनको याद करें कि वो आपको परमानेंट याद हो जाए। तो दोस्तों भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मूल अधिकार और भाग चार के अंदर नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो सीधा सीधा देखें तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार, ये आपको सीधे सीधे याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए। थैंक यू, आई होप सबने सही किया होगा और अधिकतर ने तो सही किया ही है। मूल अधिकार का संबंध किस में है? भाग तीन में है। भाग एक में क्या है दोस्तों बताइए? बिल्कुल सही आंसर, संघ और उसके राज्य। भाग दो के अंदर क्या है दोस्तों? नागरिकता, बिल्कुल सही। भाग चार के अंदर क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही आंसर आपका। और नागरिकता को दोस्तों आप एक चीज़ और मैं इसमें फैक्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो नागरिकता है उसके अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ट्रिक को जोड़ सकते हो कि भारत के भाग दो में नागरिकता है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। मेरे साथ दोहराइए, भारत में भाग दो में नागरिकता का वर्णन है लेकिन
दोहरी नागरिकता का वर्णन नहीं है। अब ये दोहरी नागरिकता क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया का एक पर्सन है, वो किसी और कंट्री में चला जाता है, ठीक है, यूएसए कोई चला गया, वहाँ जाके उसने यूएसए की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो आगे से वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वो यूएसए का नागरिक रहेगा। अर्थात वो एक समय में या तो भारत का नागरिक रह सकता है या यूएसए का नागरिक रह सकता है, एक साथ वो दो कंट्री का नागरिक रहे यह भारतीय संविधान अलाउ नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि एक यूएसए का नागरिक भारत में आए और वो कहे बहुत लंबे समय से यहाँ पे रहा है, उसके पूर्वज रहे हैं, या कोई भी ऐसा रीजन हो जो भाग दो में हम नागरिकता देते हैं, उसके वो यदि कंसेप्ट पूरा कर लेती है, उसके शर्तें वो पूरा कर लेता है, तो हम उसको नागरिक बनाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको नागरिक बना देंगे इंडिया का, तो वो यूएसए का नागरिक भले यूएसए माने लेकिन हम नहीं मानेंगे कि उसके पास में यूएसए की नागरिकता है, क्योंकि भारत के अंदर दोहरी नागरिकता का निषेध किया गया है। तो भाग दो के अंदर दोस्तों क्या है, नागरिकता, और उसमें किस चीज़ का निषेध किया गया है, दोहरी नागरिकता का। अनुच्छेद कौन से हैं, 511। बहुत अच्छा, बहुत ईजी लग रहा है आपको, बस यही हमारा मकसद है कि आपको बहुत ईजी लगे। और होता क्या है, जो इजी लगता है वो अपन परीक्षा में गलत करके आते हो, ये चीज़ हो नहीं। इसी उद्देश्य से इस क्लास में हम सिंपल सिंपल रिपीट करके चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा, आगे बढ़े। ओके, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ दी गई है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, थैंक यू, आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों भाग एक हम देख चुके हैं, संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, ठीक है। भाग दो हम देख चुके हैं, नागरिकता की बात करता है। भाग चार हम देख चुके हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, ठीक है। पीछे क्या बचा, भाग चार का वो ऑब्वियसली किसका होगा, मूल कर्तव्यों का। ये जो हमने मेथड यूज़ किया उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आपको जो आंसर नहीं हो सकते उनको पहले बाहर कर लो, तो ये बाहर और ये बाहर, तो चार का अपने आप आपके सामने हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, अभी आपको इजी लग भी रहा है, परीक्षा में जब आप प्रेशर में बैठते हो तब आपकी ये प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, तो विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन भी आपको लगता है कि अब मैं गलत नहीं कर दूँ, और आप गलत नहीं करो, इसीलिए ये चीज़ें आपके सामने लाई गई है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो थे पहले नहीं थे, इंदिरा गांधी जी के समय एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इस समिति ने ये रिकमेंड किया कि भारत के लोगों को देश के प्रति प्यार जगाने के लिए उनको क्या कर दिया जाए, मूल कर्तव्य दिए जाए, ठीक है। कि उन स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश की, वो रिकमेंड किया कि आप मूल कर्तव्य दो, तो फिर हमने क्या किया, संविधान के भाग चार ए के अंतर्गत हमने क्या किया, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ दिया। अब इसके क्वेश्चन आप ऐसे भी बन सकता है, कई बार स्टेटमेंट दे दिए कि निम्नलिखित में से, स्टेटमेंट कैसे आया, एक जैसे स्टेटमेंट आपके आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, या पूछ लिया गलत है। एक तथ्य यह आ गया कि मूल कर्तव्य संविधान के मूल संविधान में थे, यह तथ्य सही है या गलत है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया है, यह तथ्य गलत है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया है। तो पहला तथ्य ये बन गया। दूसरा तथ्य, एक आपको कंफ्यूज हो रहा था कि भाई अभी संविधान में 25 भाग है, हम यहाँ 22 भाग क्यों मान रहे हैं। तो दोस्तों जैसे चार के अंदर चार क हमने डाल दिया, तो वस्तुतः जो टोटल भाग है वो 22 ही बचे हैं, 25 नहीं है, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य है वो टोटल कितने हैं ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर, 11 है, 11 जो है वो मूल कर्तव्य है, ठीक है। और 11 मूल कर्तव्य के अंदर पहला क्या, मतलब पहला दूसरा, ऐसा डिटेल में हम मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे, उस समय हम बहुत डिटेल में चर्चा करके उनको याद कैसे करें इस पे भी ट्रिक करेंगे। अभी मोटा मोटा यही है कि उसके अंदर ऐसे चीज़ों की बात की गई है जो एज ए नागरिक हम किसी सिटी के अंदर रहते हैं, किसी शहर के अंदर, किसी देश के अंदर रहते हैं, तो हम उनका पालन करें। कई बार कहा जाता है कि आदर्श देश वो होता है जहाँ के नागरिक अधिकारों से पहले अपने कर्तव्य की बात करते हैं।
कि हम कर्तव्य को पूरा करेंगे, और हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो हमें अधिकार अपने आप मिल जाते हैं, और वही सफल देश की पहचान होती है। और दोस्तों एक मूल कर्तव्य है, आप सब लोग कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हो और वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी जैसे कल परसों चीन का मुद्दा हुआ तो सब सब उबल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, हम लड़ने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस मामले में एक मूल कर्तव्य दोस्तों अपने लिए गाइडिंग फैक्टर है। मूल कर्तव्य कहता है कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, वह जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वह अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उत्कृष्ट का प्रयास करे। अभी आपका काम क्या है, आपका क्षेत्र कौन सा है? आपका क्षेत्र है अध्ययन, स्टडी, पढ़ाई। तो आपकी ड्यूटी, संविधान कहता है अनुच्छेद 4 क कहता है कि आपकी ड्यूटी है कि आप इसके अंदर एक्सेल करें, आप उत्कृष्ट को प्राप्त करें। और फिर वो आगे कहता है कि आप व्यक्तिगत उत्कृष्ट को प्राप्त करते हुए व्यक्ति सामूहिक उत्कृष्ट को प्राप्त करें, और सामूहिक उत्कृष्ट को प्राप्त करते हुए वह राष्ट्रीय या देश के उत्कृष्ट को प्राप्त करें। तो दोस्तों एक लाइन आती है, अपने आप को उठाना पूरे देश को उठाना है। तो यह इसी प्रकार है कि यदि आप अपने आप को राइज अप करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो तो देश अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य को आप ऐसे ही याद कर सकते हो, इसको बाद में जोड़ा गया है इसलिए ये 4 क के अंतर्गत रखा गया है। स्वर्ण सिंह समिति आपको याद होनी चाहिए, और टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, यह याद हो जानी चाहिए। उसकी डिटेल जो है हम जब मूल कर्तव्यों की चर्चा करेंगे तो इसके बाद वाली डिटेल हम वहाँ देखेंगे, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? कोई बात नहीं, सरल लग रहा है, प्रैक्टिस कर लीजिए, बताइए, टाइम देता हूँ आपको, कोई लेट भी जुड़े होंगे जी। थैंक यू, आई होप आपने टिक कर दिया है। तो दोस्तों वापस फिर देख लेते हैं, पहले तो मेरे को ये बताओ मूल कर्तव्य किसमें है? बिल्कुल सही आंसर, 4 क के अंदर। ओके, राज्य के नृत्य निर्देशक तत्व किसमें है? बिल्कुल सही आंसर आपका, 4 भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है? तो यही आंसर था आपका इस क्वेश्चन का। ओके, नागरिकता किसमें है, कैसे याद करोगे? भारत में दोहरी नागरिकता का निषेध है, तो नागरिकता किसमें, भाग 2 में है, ठीक है? यहाँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो था उसके अंदर क्या थे, खूब सारे राज्य थे। ये हम ऊपर कनाडा मान लें, यहाँ पे यूएसए है, फॉर एग्जांपल नीचे मेक्सिको है, यहाँ पे मेक्सिको है, यहाँ पे कनाडा है, सॉरी कनाडा है, और यहाँ पे यूएसए है, ठीक है? तो अब यूएसए जो है वो 50 स्टेट, 50 राज्यों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त राज्य। 50 राज्य क्या है, संयुक्त हुए हैं, यूनाइटेड हुए हैं, और उन्होंने यूएसए बनाया। अब वो चीज़ यहाँ क्यों आई, क्योंकि यूएसए के अंदर क्या है कि फॉर यदि कोई मान लो कैलिफोर्निया राज्य का कोई व्यक्ति है तो वो यूएसए का भी नागरिक है और कैलिफोर्निया स्टेट का भी नागरिक है, इस प्रकार वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। भारत के अंदर स्टेट की अलग से नागरिकता नहीं है, जैसे कोई आदमी राजस्थान का है और पश्चिम बंगाल का है तो वह दोनों ही व्यक्ति एक भारत के ही नागरिक है। ऐसा नहीं है कि वह पश्चिम बंगाल का नागरिक है या राजस्थान का नागरिक है, ना, स्टेट के आधार पे भारत में कोई नागरिकता नहीं है, भारत में एक राष्ट्र के आधार पे नागरिकता है और उसकी एक ही नागरिकता है, वो क्या है, भारतीय। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि हम सबको यूनाइटेड माने, उत्तर हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, सब तरह के जो लोग हैं वो एक देश के रूप में फील करें, हम मजबूती के साथ एक होकर के देश निर्माण में लगे, इसी उद्देश्य को लेकर के एकहरी नागरिकता रखी गई है, दोहरी नागरिकता का निषेध किया गया है। और नागरिकता किसमें है, सब भाग 2 में। हम अभी चर्चा कर रहे हैं संविधान के भाग की, आई होप कि अब तक की जो हमारी चर्चा हुई है थोड़ा आपको लगेगा कि यार ये तो सरल क्वेश्चन है, पर दोस्तों परीक्षा में लोग यही सरल क्वेश्चन गलत करके आते हैं और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मैंने जो शुरुआत की है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ा टफनेस बढ़ेगी टॉपिक्स की, थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से किया है, और यही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में रुलाते हैं जब आप गलत करके आते हैं, और अब आपको गलत नहीं करने।
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन अपग्रेड हुआ है यहाँ पे, तो सब वही आप इलिमिनेशन राउंड ले लो, आपको पता नहीं है अभी तक, कोई बात नहीं, भाग दो के अंतर्गत बता दो क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, नागरिकता की बात हो गई, ठीक है। भाग तीन के अंतर्गत क्या होगा बता दो, मूल अधिकार, वेरी गुड। भाग चार के अंदर क्या है, नीति निर्देशक तत्व, तो वेरी गुड। अब पीछे क्या बचा, भाग पांच, और प्रश्न क्या पूछ रहा है, संघीय कार्यपालिका अर्थात संघ की बात किसमें की गई है। संघ यानी वहां पीएम होगा, ठीक है, वहां पे आपके संसद होगी, ये सारी जो बात की गई है, वहां पे राष्ट्रपति होगा, ये जितनी सारी बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर, संसद, राष्ट्रपति, संघ के क्षेत्र की जितनी भी बातें हैं, वो संविधान के भाग पांच में की गई है। तो दोस्तों देखा आपने, आप पीछे से आए और तीन आपने भाग अच्छे से याद रोगे तो चौथा भाग अपने आप, पांचवा भाग अपने आप निकल गया यहाँ पे संघीय कार्यपालिका के लिए। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपको सवाल आए, तीन को एलिमिनेट कर लो, चौथा अपने आप बच जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? वेरी सिंपल, फिर भी आप टिक करिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, भाग दो, और भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग दो के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है, भाग तीन के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है, और भाग चार में नीति निर्देशक तत्वों का। मैंने कहा था कि आप भूलोगे नहीं, यही ट्रिक काम करेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हट करके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये हमारा संविधान श्रेणी का सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था प्रस्तावना को, और जिन लोगों ने प्रस्तावना को अभी तक नहीं देखा है वो वापस जा करके हमारी संविधान सीरीज का पहला भाग देख सकते हो, जिसमें हमने प्रस्तावना को डिस्कस किया है, और वहाँ पे वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो आप टिक कर लीजिए, 10 सेकंड देता हूँ। थैंक यू। इसका सही आंसर जो है वो है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो दोस्तों लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। जिनके आंसर सही हुए उन सबको बधाई हो, जिसके आंसर सही नहीं हुए वो जाकर के पहला जो लेक्चर है मेरा इस सीरीज का उसको जाकर के जरूर देखें, ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि भारत का जो प्रस्तावना है वो कैसे कार्य करती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये एक लाइन आई भारत के बारे में, भारत के बारे में उसके अंतर्गत ये सारे शब्द आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन लोक कल्याण नहीं आया। लोक कल्याण इसका उद्देश्य हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन वह यहाँ पे शब्द पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। चलो दोस्तों, ये अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको आने वाली जो डिटेल है वहाँ पे मिल सके, और यदि आपको ये लगता है कि अच्छा लगा है, डू यू रियली लाइक इट, देन टेल योर फ्रेंड्स टू कनेक्ट, उनको जोड़िए, ताकि वो भी इनसे लाभान्वित हो सके। अब दोस्तों जैसा मैंने वादा किया था इस सेशन के प्रारंभ में कि हम इसको पहले क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वही रखे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट्स होते हैं, जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, और जो कम आते हैं उनको मैंने वहां पे नहीं रखा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, सिर्फ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को वहां पे रखा है। तो दोस्तों आइए अब इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। भाग एक, संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, ये हम देख चुके हैं अच्छे से। भाग दो, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 511, ठीक, सॉरी 5 to 11, राइट। भाग तीन, मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट्स कहाँ है, 12 से 35, इसको थोड़ा याद कर लेना, कई बार पूछते हैं। भाग चार, नीति निर्देशक तत्व, कहाँ मिलेंगे, 36 से 51 में। भाग चार ए, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से इंदिरा गांधी जी के समय मूल कर्तव्य डाले गए, कहाँ पे है, 51A में। यहाँ पे आपने क्या किया, 51 के अंदर एक और ए सबमिट कर दिया। भाग पाँच, अभी हमने देख लिया,
जिसमें संघ आता है वो कहाँ है, अनुच्छेद 52 से 151 में। अब चूंकि संघ में आप राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, संसद, इनकी खूब सारी चीजें पढ़ते हो, तो इस कारण से ये अनुच्छेद 52 से 151 काफी लंबे हो जाते हैं। अब आ जाता है आपके भाग 6। भाग 6 क्या हो गया? राज्य। ठीक है, 6 राज्य, 6 तो राज्य के अंदर क्या हुआ, 152 से 237, ये भी काफी लंबा वैसा का वैसा चलता है। भाग 7 है, वो सात, भाग 7 के अंतर्गत क्या थे पहले, ए बी सी डी प्रकार के राज्य थे पहले देश के अंदर, तो जब ए बी सी डी प्रकार के राज्य ही हमने समाप्त कर दिए तो भाग 7 भी समाप्त हो गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में, 1956 सातवां संविधान संशोधन हुआ, उसमें हमने भाग 7 को समाप्त कर लिया। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे आने आने वाले लेक्चर में तब हम इनको देखेंगे। भाग 8 के अंदर संघ और राज्य क्षेत्र दोनों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को हमने भाग 8 में रखा है, और 9 में 9 पंचायती, ठीक है, 9 में 9 पंचायती, मतलब भाग 9 के अंदर पंचायती राज है। कहाँ है अनुच्छेद आप बात करोगे तो 243, 243 टू 243 ओ, अर्थात अनुच्छेद यहाँ पे एक ही काम कर रहा है, 243, उसमें ए से लेकर के ओ तक हम जाते हैं, सब डिवीजन हमने वहाँ पे किए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा पंचायती राज किस भाग में स्थित है और किस अनुच्छेद में है, ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, 243 और भाग 9। ठीक है, भाग 9 ए है वो नगर पालिकाएँ हैं, और जिसको हम जानते हैं कि 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 73rd अमेंडमेंट में हम पंचायती राज लेकर के आए और 74th में हम क्या लेके आए, नगर पालिका लेके आए, तो वो 9 ए के अंतर्गत हमने रख दिया। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक है, कोई बात नहीं, 243 याद कर ले, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। भाग 10 के अंदर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र वो रखा गया है, उसका अनुच्छेद 244 है, कोई याद रखने की ज़्यादा संभावना नहीं है, बस भाग 10 में क्या है ये याद कर लीजिए, और भाग 11 के अंदर क्या है दोस्तों, संघ और राज्य के बीच में संबंध, मैंने अभी डिस्कशन में ट्रिक बताई थी, क्या है आप बताइए, किसी को याद आ रहा है? जी बिल्कुल सही, भाग 11 को ऐसे लिख लो, 11 में इधर क्या है केंद्र, इधर क्या है राज्य, दोनों के आपस में क्या है संबंध, किस में है, संविधान के भाग 11 में, सो सिंपल। भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद पूछे रखे गए हैं, जनरली पूछते नहीं है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। भाग 13 के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य के लिए समागम, आप आवागमन जो करते हो, जैसे यहां से कोई दिल्ली चला जाता है, कोई दिल्ली से चेन्नई चला जाता है, इसका जो संरक्षण करता है वो भाग 13 करता है दोस्तों, भाग 13। ठीक है, यहाँ एक भाग 12 में एक चीज़ याद रखना, जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हमने खत्म कर दिया, और कहाँ रख दिया, 300 ए में रख दिया, 300 के अंतर्गत रख दिया, तो ये जरूर पूछ सकते हैं कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछे तो आराम से बता दीजिएगा 300 ए, और यदि आपको पूछा जाए कि किस भाग में है तो भाग 12 बता दीजिए, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है और 12 के अंदर संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने अभी क्या बना रखा है, विधिक अधिकार बना रखा है, मौलिक अधिकार वह नहीं है, मौलिक अधिकार वह होता है जिसका हनन नहीं किया जा सकता, विधिक अधिकार वह होता है जिसको कानूनी प्रक्रिया से आपसे लिया भी जा सकता है, जैसे जब सरकार रोड बनाती है तब आपको मुआवजा दे करके आपकी जमीन ले लेती है, तो वहां संपत्ति आपका विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद में आप आ जाते भाग 14 में, 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी बात की जाती है। भाग 14 ए के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकरण बनते हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, और भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, हमारे लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र की जो जड़ है वो निर्वाचन है, तो इसलिए इसको याद जरूर कर लेना। याद करने की ट्रिक मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ कि 5 साल में एक बार चुनाव होते ही है जनरली, तो ये हो गया अनुच्छेद 15, 5 साल में एक बार आप चुनाव कराओगे तो भाग 15 के अंदर आप निर्वाचन को रख दोगे। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक इनका वर्णन है। ठीक है, भाग 16 कुछ खास नहीं है, विशेष उपबंध किए गए हैं, और भाग 17 ये थोड़ा खास हो जाता है। भाग 17 के अंतर्गत क्या है, राजभाषा,
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अंग्रेजी आने के बाद में जो भारत की राजभाषा जो हिंदी है उस पे संकट है, तो हिंदी पे खतरा है। खतरा किस पे है? सत्रह पे। सत्रह कहाँ है? राजभाषा के अंदर। तो इसको आप लिंक करके थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो भाग 17 आपको याद रहना चाहिए, भाग 15 भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी वाले में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 18 ये फिर आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाग 18 के अंतर्गत क्या है? आपात उपबंध। कहाँ से? अनुच्छेद 352 से 360। बिल्कुल सही सोच रहे हो। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, आपात उपबंध में। इसको याद करने का तरीका ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की यदि शादी हो जाती है तो वो कानूनी जुर्म है और उस घर पर पुलिस पहरा डाल देती है, आपातकाल लगा देती है। तो ये आपात उपबंध आप याद कर सकते हो ऐसे। देखो दोस्तों, जब याद करना है और एग्जाम में लिखना है तो कहीं ना कहीं आप एक कोई चीज़ विजुलाइज करिए, दिमाग में लेकर के आइए, तभी आपको याद रहेगा। तो भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन यानी विविध बातें कही गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है भाग 20, संविधान का भाग 20, संविधान के संशोधन को बताता है, अनुच्छेद 368, ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यहाँ पे भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन आता है। तो 20-20, ओके। फिर भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन, जब हमारा देश संविधान पहले हम आत्मर्पित अंगीकृत करते हैं, फिर हम लास्ट में जाके लागू करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए थे उस तत्कालीन कंडीशन में, ठीक थे, उनको संक्रमणकालीन है वो 21 में रखे गए थे। और भाग 22, 22 के अंतर्गत हिंदी में प्राधिकृत पाठ कैसा होगा संविधान का और संक्षिप्त नाम कैसा होगा, प्रारंभ कैसा होगा, ये बातें 22 में रखी गई है। आपके सामने दोस्तों जो स्लाइड है उसमें मैं अभी नाम बोलने वाला हूँ, संविधान का भाग बोलने वाला हूँ और आपको बताना है। इसको कोशिश करें कि तुरंत बताएं इसमें पढ़े बिना कि उसमें क्या है। भाग 15 बिल्कुल सही, निर्वाचन। भाग 17 बिल्कुल सही, राजभाषा, हिंदी पे खतरा नहीं है ना, ओके। भाग 18 बिल्कुल सही, आपात उपबंध। भाग 20, 20 19 20 नहीं करना है, 20 करना है, संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। तो इस स्लाइड में भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध और भाग 20 संविधान संशोधन, ये जो चार है ये इम्पोर्टेंट है। पिछली स्लाइड में क्या क्या इम्पोर्टेंट थे उसके अंतर्गत लगभग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथे तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी वाले भी इम्पोर्टेंट है। कुल पहले ही वाली जो स्लाइड है इसमें सारे लगभग इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दोनों ओर से पूछे जा सकते हैं, भाग भी पूछा जा सकता है और अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से यहाँ पे याद कर लें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच इस सेशन से जुड़ने के लिए, और मैंने जो वादा किया था, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, किस चीज को? संविधान के भाग को। तो वो मैंने कोशिश की यहाँ पे निभाने की। अब आगे आप पे है कि आप इसका कितना रिवीजन करते हो, वो उस पे डिपेंड करेगा और उसी चीज पे ये संविधान के भाग आपको याद होते हैं नहीं। एक बार मैं पुनः आपको मोटे मोटे बोल देता हूँ, आप इसको बोल लीजिए, संविधान का भाग एक आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ संघ और राज्य क्षेत्र। भाग दो नागरिकता, मैं जैसे ही भाग बोलता हूं आप प्रावधान बोल दो। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5, पहले 4 क ले लेते हैं, 4 क मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 सातवें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त, ठीक है। तो ऐसे आप इन चीजों को याद करते चले जाएंगे, क्रमशः आप याद करोगे तो ये आप इसको कभी भी भूलने वाले नहीं हो, और यदि आप क्रमशः याद नहीं करने वाले हो तो फिर आप भूलने वाले बिल्कुल, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट भाग ओके, भाग 8 भी देख लो, केंद्र राज्य संबंध, भाग 9 नौ पंचायती, ठीक है, पंचायती राज, 9 क नगर पालिकाएं,
नौ ख सहकारी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं होती है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, भाग 10 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, भाग 11 अब नहीं भूलना केंद्र और राज्य उनके संबंध। ठीक है, भाग 12 वित्तीय संबंधित 300 क को याद कर लेना, तो वित्त वाला प्रावधान तो याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, भाग 13 समागम, जब इंटर स्टेट आप जाते हो उससे संबंधित प्रावधान। ठीक है, भाग 14 जो जो अधीनस्थ अधिकरण है, जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। भाग 15 पाँच साल में क्या होते हैं, एक बार चुनाव यानी निर्वाचन। ठीक है, भाग 16 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 17 किस पे खतरा, हिंदी पे, मतलब राजभाषा। ठीक है दोस्तों, भाग 18 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चे की शादी की सूचना पुलिस को मिल जाती है तो वहाँ क्या लग जाता है, आपातकाल। ठीक है, 19 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और 20 में आप संविधान संशोधन कर लोगे। 21 में क्या होगा, 21 में संक्रमणकालीन प्रावधान थे, और 22 में हिंदी का प्राधिकृत पाठ, प्रारंभ, संक्षेपण, ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों मैंने आपसे क्लास शुरू होने पर वादा किया था कि सारे के सारे जो प्रावधान है, विशेषकर जो इम्पोर्टेंट है, उसको हाईलाइटेड करते हुए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा और आपको याद करवा दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप भी इसको एक बार और पुनः पढ़ लें, कॉपी में लिख लें, याद कर लें, और मेरे से वादा करें कि इसको एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों यदि आप प्लस कोर्सेज अब आने वाले हैं आगे, एक तो पॉलिटिका मैं लेकर के आऊँगा, एक लेकर के आऊँगा ज्योग्राफी का, तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या आप दूसरा भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो देरावर कोड का इस्तेमाल करके 10% लाभ जरूर लें, और आगे ऐसे वीडियो मिलते रहें। इसके लिए अपने दोस्तों को भी बताएं, उन लोगों को भी जोड़ें इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि अधिकतम लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों आपके खिले हुए चेहरे, आपके चेहरे पर जो एक संतोष का भाव है, वो बता रहा है कि आप अब संविधान के भाग कभी नहीं भूलोगे, और यही मेरी इस क्लास का मकसद था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।